किसी भी लाइव स्ट्रीम में नंबर ऑफ़ लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासतौर से वो स्ट्रीमर जो है उसका मोरल बूस्ट हो जाता है नंबर ऑफ़ लाइक्स देख के अपनी स्ट्रीम पे। और इसके अलावा ये इस बात का भी रिफ्लेक्शन है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो वॉचिंग है, वो एक्चुअली कितना पसंद कर रही है आपका कॉन्टेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन पे ये नंबर ऑफ़ लाइक्स जो है इनको ऐड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रीम पे लाइक्स बढ़ेंगे ये नंबर भी अपने आप अपडेट होता रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और ये हमारा जो लाइव लाइक्स काउंटर है यूट्यूब का, इसको टेस्ट करने के लिए और इसको सेटअप करने के लिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक टेस्ट स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पे। तो मैं खोलता हूँ OBS स्टूडियो और यहाँ पर मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है, सीन बनाया हुआ है टेस्ट स्ट्रीम के लिए। सीन क्रिएट किया हुआ तो अलग चीज़ हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम यहाँ पर, और जैसे ही हमारी ये सैम्पल स्ट्रीम लाइव हो जाएगी तो हम लोग चलेंगे YouTube पे अपने चैनल पे, और ये जो हमारी लाइव स्ट्रीम है इसका लिंक हम लोग कॉपी करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि लाइव हो गया है, हम लोग खोलते हैं वेब ब्राउज़र अब अपना, और वेब ब्राउज़र पे हम लोग चलते हैं YouTube, और ये जो ये जो हमारी लाइव स्ट्रीम है इसका लिंक कॉपी करते हैं। ओपन करता हूँ मैं वेब ब्राउज़र हमारा, चलते हैं यूट्यूब पर, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लाइव हैं, ये टेस्ट स्ट्रीम हमारी लाइव है। क्लिक करते हैं इसको एंड वी कैन ऑलरेडी सी इट हीयर। तो यहाँ से इस लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग एक दूसरी साइट पे चलेंगे जिसका नाम है youtubelikecount.com। आप चाहें तो ये जो वीडियो है इसको पॉज करके सही जो एड्रेस है वो देख लें, मैंने यहाँ पे टैब बनाया हुआ है। तो एक बार फिर मैं बता दूँ, YouTube लाइक काउंटर आप अगर डालते हैं तो ये वेब पेज खुलेगा। यहाँ पर हम लोगों को अपनी जो लिंक हम लोगों ने लिया था लाइव स्ट्रीम का, उसको यहाँ पे पेस्ट करके करेंगे सर्च, और फिलहाल आप देख रहे हैं कि कोई लाइक नहीं है। तो अब हम लोगों को ये वाला जो लिंक है, जो हम लोगों को इस वेबसाइट का लिंक मिला है, इसको कॉपी करेंगे, वापस चलेंगे अपने OBS में, और उसको एज ए ब्राउज़र वहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ हो जाऊँगा जैसे आपको पता लगेगी OBS पे हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके भाई लोग, तो चलते हैं OBS खोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे एज ए ब्राउज़र सोर्स। तो क्लिक करते हैं इसको और ऐड करते हैं ब्राउज़र, नाम इसका जो चाहे आप दे दें, यहाँ पे मैं ब्राउज़र ही छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को वो लिंक पेस्ट करना है जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था, पेस्ट। और यहाँ पे आप लोग पूरी डायमेंशन दे देंगे, जो 1080p की डायमेंशन होती है, यहाँ पे दे देंगे 1920x1080, जिससे कि ये पेज बड़ा से बड़ा आए, और कर देते हैं ओके। और आप ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रीम पर वो जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है अभी, कि फ़िलहाल एक व्यू है और कोई भी लाइक नहीं है। अब हम लोग इस पूरे पेज को क्रॉप करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरा पेज नहीं चाहिए, केवल लाइक्स चाहिए। तो हम लोग उसके लिए राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, एक फ़िल्टर ऐड करते हैं, और ये फ़िल्टर होगा क्रॉप पैड। क्लिक किया क्रॉप पैड, और यहाँ पर मैं सूटेबल वैल्यूज़ दे देता हूँ, जिससे कि हम लोगों को केवल लाइक का पोर्शन चाहिए, बाकी सारी चीज़ जो है वो क्रॉप हो जाए चारों तरफ से। तो हम लोगों ने सूटेबल क्रॉपिंग वैल्यूज़ जो हैं वो डाल ली हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको ऐसे कैसे अपने OBS में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अब एक अगला फ़िल्टर ऐड करने वाले हैं, और वो फ़िल्टर होगा क्रोमा की। ऐड करते हैं उसको भी, और सेलेक्ट करते हैं क्रोमा की, ओके। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, जो की कलर टाइप है उसको हम लोग रखेंगे मजेंटा, और मजेंटा रखने के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनमें ध्यान देंगे, ओपेसिटी और कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल, और बाकी सबको एकदम मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ़िल्टर हो गया। तो अगला फ़िल्टर हम लोग ऐड करेंगे कलर की, ऐड करते हैं इसको कलर की, और यहाँ पे वैल्यूज़ हमको ध्यान देनी है। सबसे पहले जो की कलर टाइप है इसको कर देंगे वाइट, सेलेक्ट कलर, और यहाँ पे चूज़ करेंगे वाइट, ओके। और यहाँ पे वैल्यूज़ ध्यान देनी है हमको, सिमिलैरिटी को करना है ज़ीरो, और स्मूदनेस को करना है फुल। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम लोग ये चेंजेस करते जा रहे हैं, जो लाइक्स है वो ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से विजिबल होंगे हमारी स्क्रीन पे। तो ये वैल्यूज़ पुट अप करनी है, और हम लोग चलते हैं अपने फाइनल फ़िल्टर पे। अब भाई लोग, फाइनल फ़िल्टर हमारा रहेगा कलर करेक्शन। तो फाइनली उसको भी ऐड करते हैं, कलर करेक्शन, और यहाँ पर वैल्यूज़ ध्यान देने वाली है हम लोग, गैमा को कर देंगे ज़ीरो, और कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे फुल। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे, एंड दैट्स इट, और करते हैं क्लोज। और ये नंबर ऑफ़ लाइक्स हैं, फ़िलहाल कोई भी लाइक नहीं आया है हमारी सैम्पल स्ट्रीम पे। तो हम लोग अब इसको चेक करते हैं, हम लोग चलते हैं अपनी स्ट्रीम पे, लाइक करते हैं वहाँ पे अपनी स्ट्रीम, और देखते हैं यहाँ पे डाटा अपडेट होता है या नहीं। ओपन करते हैं क्रोम, और यहाँ पर मैं करता हूँ स्ट्रीम को लाइक, और देखते हैं हमारे OBS में डाटा। आप ये देखेंगे OBS में एक लाइक रिवर्ट हो गया है।
तो भाई लोग इतना सिंपल प्रोसीजर है जिससे हम लोग ये लाइव लाइक्स जो हैं वो स्ट्रीम पे अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसीजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर, थम्स अप बहुत ज़रूरी है, उससे ही थोड़ा सा पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। घंटा आप सभी को पता है कि बजाना होता है, सब्सक्राइब करने के बाद अगर घंटा नहीं बजाया तो चमत्कार नहीं होगा, घंटा बजाने से ही चमत्कार होता है। जब भी नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।